गाइज मैं सचिन खतावियर आज आपके लिए फिर से एक लेटेस्ट वीडियो लेकर आया हूँ और आज का वीडियो है होंडा SP 125 BS6 पर। लेकिन इससे पहले कहना चाहूँगा, आप अपने भाई के चैनल पर नए हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस कर लीजिए जिससे मेरी लेटेस्ट वीडियो आप तक सबसे पहले पहुँच जाए। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। भाई जैसे कि आपको पता है आज की वीडियो होंडा SP 125 BS6 बाइक के बारे में होने वाला है और आपको भाई हर वक्त ना सबसे पहले प्राइस के बारे में बात करता है। प्राइस के बारे में इसलिए बात करता हूँ क्योंकि जो चीज़ हमारे बजट में फिट होती है हम सबसे पहले वही परचेज करते हैं। तो आइए सबसे पहले प्राइस के बारे में बात कर लेते हैं। ये ड्रम में एक शोरूम में मिलती है। प्राइस है इसका 72,090 रुपये का, जिसमें से RTO अमाउंट है 5,832 रुपये का और इंश्योरेंस अमाउंट है 5,990 रुपये का। अब बात करते हैं ऑन रोड प्राइस की, तो ऑन रोड प्राइस पड़ता है इसका 84,721 रुपये का। अगर आप EMI पे लेना चाहते हो तो EMI पर है 2,132 पर मंथ पर। डिस्क में है ये एक शोरूम के अंदर। प्राइस है इसका 77,100 रुपये का। अगर आप RTO अमाउंट देखोगे तो RTO अमाउंट है इसका 6,168 रुपये का और इंश्योरेंस अमाउंट है 6,078 रुपये का। ऑन रोड प्राइस आपको ये पड़ेगी 89,346 रुपये की। अगर आप EMI पे लेना चाहते हो तो EMI पे ये 2,255 रुपये पर मंथ की पड़ेगी। अब बात कर लेते हैं इंजन के बारे में। तो इसका इंजन एयर कूल्ड 4-स्ट्रोक SI HT BS6 इसका इंजन है, ये काफ़ी अच्छा है। और इंजन डिस्प्लेसमेंट 124 cc का है। पावर की बात करें तो 10.8 PS एंड 7,500 RPM की है। टॉर्क है इसमें 10.9 Nm का एंड 6,000 RPM की। एमिशन टाइप में BS6 है और बोर है इसका 50 mm का। स्टॉक है इसका 63.1 mm का और नंबर ऑफ सिलेंडर एक है। ड्राइव टाइप की बात करते हैं तो इसकी ड्राइव टाइप चेन ड्राइव है, बल्ब परसेंट है 4 है और फ्यूल टाइप पेट्रोल से है। कंप्रेशन रेशो बात करते 10:0:1 है इसका। ट्रांसमिशन की बात करते ट्रांसमिशन टाइप इसमें मैनुअल है और नंबर ऑफ गियर्स 5 है। बात करते हैं ब्रेक्स की, तो फ्रंट ब्रेक इसका ड्रम है और रेयर ब्रेक भी इसका ड्रम है। ब्रेकिंग टाइप की बात करते कॉम्बी ब्रेक सिस्टम है। चेसिस एंड सस्पेंशन की बात करते फ्रंट सस्पेंशन इसमें टेलीस्कोपिक है और रेयर सस्पेंशन में हाइड्रोलिक टाइप का है। चेसिस की बात करते डायमंड टाइप है। टायर्स व्हील्स की बात करते तो पहले हम टायर साइज की बात करते हैं, तो फ्रंट टायर इसमें 80x100 का है और रेयर टायर भी इसमें 80x100 का है, मतलब दोनों ही सेम है। व्हील साइज की बात करते हैं, फ्रंट व्हील इसमें 457.2 mm का है और रेयर व्हील भी इसमें 457.2 mm का है ना। टायर टाइप की बात करते हैं, टायर टाइप इसमें ट्यूबलेस है और वाइल टाइप में अलॉय होने वाला है और ऑप्टिमम टायर प्रेशर 25 PSI का है। बात करते हैं डायमेंशन की, तो वाइल बेस है इसमें 1,285 mm का और लेंथ है इसमें 2,020 mm की। ग्राउंड एंड क्लियरेंस की बात करते हैं तो 160 mm की ग्राउंड एंड क्लियरेंस है। हाइट है इसकी 1,103 mm की और सीट हाइट है इसमें 790 रुपये की और वेथ है इसमें 785 mm की और फ्यूल कैपेसिटी 11 लीटर की है और टेल लाइट इसमें बल्ब से और फ्रंट ब्रेक डायमीटर 130 mm के और रेयर ब्रेक डायमीटर 130 mm का है। बात करते हैं इलेक्ट्रिकल्स की, तो टर्न सिंगल लैंप इसमें बल्ब के द्वारा है। वीडियो देख चुके हो, वीडियो काफ़ी अच्छा था, आपको पसंद आया तो वीडियो को एक लाइक कर दीजिए। जैसे कि आपको पता है आपके एक लाइक से आपके भाई को काफ़ी ज़्यादा मोटिवेशन मिलता है। और कमेंट बताइए वीडियो कैसे लगा, नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक पे चाहिए। आपको भाई आपके सारे कमेंट्स के रिप्लाई देता है, उसी टॉपिक पे वीडियो बनाता हूँ। जिस टॉपिक पे आप बोलते हो कि भाई इस टॉपिक पे वीडियो चाहिए, तो अगले दिन इस टॉपिक पे वीडियो आ जाता है। और अगर अपने भाई के चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस कर लीजिए जिससे मेरी लेटेस्ट वीडियो आप तक सबसे पहले पहुँच जाए। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।